आप देखिएगा, गौर करिएगा, क्रियाएं सबकी अलग अलग हो सकती है, क्रियाओं में कहीं ना कहीं भेद हो सकते हैं, लेकिन तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे संसार में जितने भी धर्म है वो एक ही चीज सिखाते हैं, एक ही मार्ग पर ले जाने की कोशिश करते हैं, एक ही मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कोई वैकुंठ कह देता है, कोई मोक्ष कह देता है, कोई जन्नत कह देता है, लेकिन जाना तो वहीं पर है जहां परम शांति हो, जाना तो वहीं पर है जहां समाधि हो, जाना तो वहीं पर है जहां कुछ ना कुछ जीवन का भला हो। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि संसार का कोई धर्म ऐसा नहीं जो हिंसा सिखाता हो। इंटरप्रिटेशन गलत किया हो, उसका भावार्थ आपने गलत निकाला हो और आपने हिंसा का मार्ग चुन लिया हो, अलग बात है, लेकिन संसार का कोई धर्म ऐसा नहीं जो हिंसा सिखाता हो, संसार का कोई धर्म ऐसा नहीं जो झूठ बोलना सिखाता हो, संसार का कोई धर्म ऐसा नहीं जो यह कहता हो कि आपके माता पिता की सेवा ना करो, संसार का कोई धर्म ऐसा नहीं जो यह बताता हो कि उपकारियों के उपकार को भूल जाओ, आप मुझे एक धर्म ला करके बताओ। क्रिया की दृष्टि से बहुत भेद है संसार के विविध धर्मों में। किसी के लिए कोई स्थान पूजनीय है तो किसी के लिए दूसरा कोई स्थान पूजनीय है, किसी के लिए कोई गुरु वंदनीय है तो किसी के लिए और कोई गुरु वंदनीय है, वो कोई भेद नहीं है। लेकिन मैं आपसे बात ये करना चाहता हूं कि तत्व की दृष्टि से संसार के सारे धर्म आपको एक ही मार्ग पर ले जाएंगे, एक ही रास्ता दिखाएंगे। और आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जैनिज्म एंड कबीर। कबीर जी ने हिंदी साहित्य में बहुत जबरदस्त बातें लिखी, और जब कबीर जी को पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं, ये जैनिज्म के ही थॉट्स है, जैनिज्म के ही विचार है। कोई कोई विचारों में भेद हो सकता है, कोई कोई विचारों में डिफरेंशिएट हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कबीर जी के जो विचार है वो कहीं ना कहीं जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, जैन धर्म से बुने हुए हैं। और इसीलिए आज से रोज एक कबीर जी के पद की बात करेंगे, उसके साथ में हमारा धर्म क्या कहता है, हमारे आगम सूत्र क्या कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, दोनों का समन्वय करके हमें क्या बोध लेना है, उसकी आज से हम बातें शुरू करने जा रहे हैं। जैनिज्म एंड कबीर, आज पहली बात करनी है। कबीर जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि संसार में रह करके भी साधु कौन बन सकता, बराबर समझना। आप संसार में हो, आप संयम नहीं ले सकते, आप रजोहरण प्राप्त नहीं कर सकते, आपके कंडीशंस ये है, आपकी जिम्मेदारियां ये है कि आप यहां से निकल नहीं सकते। लेकिन कबीर जी ने बड़ी अद्भुत बात लिखी, कहा कि संसार में रहकर के भी साधु कौन बन सकता है। और वही बात दसवीं कालिक सूत्र में आचार्य भगवान संयम भव सुरेश्वर जी महाराज साहब ने लिखी। दोनों का समन्वय कैसा होता है आप देखिएगा, जैनिज्म एंड कबीर। कहा स्वयंभव सुरेश्वर जी महाराज साहब ने दसवें कालिक सूत्र में यह बात लिखी कि जो व्यक्ति क्रोधी हो, जो व्यक्ति अविवेकी हो, जो व्यक्ति अभिमानी हो, जो व्यक्ति दूरवादी हो, और जो व्यक्ति कपटी हो, और जो व्यक्ति धूर्त हो, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। बराबर समझना, क्रोधी का कल्याण नहीं, अविवेकी का कल्याण नहीं, अभिमानी का कल्याण नहीं, दुर्वादी का कल्याण नहीं, कपटी का कल्याण नहीं, और धूर्त का भी कल्याण नहीं। और कहा कि इतनी चीजें जिसके जीवन में नहीं है ना, वो संसार में रहते हुए भी साधु समान है। ये बात स्वयंभव सुरेश्वर जी महाराज साहब ने दसवें कालिक सूत्र में लिखी, और वही बात कबीर जी ने दोहराई। कबीर जी ने बड़ा अद्भुत दोहा लिखा, गार अंगार क्रोध झल निंदा धुआं होए, इन तीनों को परिहरे साधु कहावे सोए। कहा के समझना, गार अंगार क्रोध झल निंदा धुआं होए, इन तीनों को परिहरे साधु कहावे सोए। कहा के साधु कौन, संसार में रहते हुए भी कौन साधुता निभा सकता है, संसार में रहते हुए भी कौन साधुता का जीवन जी सकता है। कहा कि तीन चीजें जिसके जीवन में नहीं है वो साधु है, समझिएगा। गार यानी अपशब्द, क्रोध और निंदा,
ये तीन जिसके जीवन में नहीं है समझना, वो संसार में रहते हुए भी साधु का जीवन जी रहा है। और यदि ये तीन जिसके जीवन में है तो वो साधु बनने के बाद में भी सही साधु नहीं बन पाया, ये हमारे कबीर जी कहते हैं। कहा के गार अंगार, अब शब्द कैसे है तो कि अंगार के जैसे जलाते हैं हमको, हमको तो जलाते हैं लेकिन सामने वाले इंसान को भी जलाते हैं, ऐसे अब शब्द है। और इसीलिए तीन संदेश ये दोहा से हमें मिलते हैं। पहला संदेश ये मिलता है गार अंगार, कंट्रोल योर लैंग्वेज, कंट्रोल योर लैंग्वेज, कहा के अपनी भाषा को संभालो, जितनी भी परेशानी है सारी भाषा की है। और इसीलिए मैं तो कई बार कहता हूं, बोलना सीखने में शायद 6 महीने, साल, 2 साल या 3 साल हो जाते हैं, लेकिन क्या बोलना ये सीखने में पूरा जीवन बीत जाता है। बोलना सीख जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या बोलना ये आदमी नहीं समझ पाता। कौन सी कंडीशंस है, कौन सी परिस्थिति है, कौन सा माहौल है, कौन सा व्यक्ति सामने खड़ा है, ये आदमी नहीं समझ पाता। इसीलिए कहा गया कि बोलना सीखने में तो शायद 2-3 साल लग जाए, लेकिन क्या बोलना ये समझने में पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है, क्या बोलना ये सीखने में पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। इसलिए कबीर जी भी कहते हैं, इसलिए हमारा 10वां कालिक सूत्र भी कहता है कि समझिएगा, कंट्रोल योर लैंग्वेज, अपनी भाषा को संभालो। मैं कहता हूं समझना, जीवन में संयम हो उतने मात्र से काम नहीं बन जाता, मन में संयम हो उतने मात्र से काम नहीं बन जाता, लेकिन भाषा में भी तो संयम होना चाहिए। कहां है भाषा में संयम? सामने कौन सा उपकारी व्यक्ति है, सामने हमारे माता पिता है और हम क्या बोलते हैं, यह भी तो हमें ज्ञात नहीं होता, यह भी तो हमें पता नहीं होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जीवन में कंट्रोल योर लैंग्वेज, भाषा को संभाल लो। शब्द ऐसे नहीं हो जो दूसरों को पीड़ा देने वाले, शब्द ऐसे नहीं हो जो दूसरों को तकलीफ देने वाले हो, शब्द ऐसे नहीं हो जो दूसरों को परेशानी देने वाले हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, तीन संदेश जीवन में लेकर के जाइएगा, कंट्रोल योर लैंग्वेज। और एक चीज समझना, बोलना कैसे ये सीखने के क्लासेस हो सकते हैं, लेकिन क्या बोलना ये तो हमें अपने आप से ही आता है, उसके कोई क्लासेस नहीं होते। शायद किसी को बोलना ना आता हो, बच्चे की उम्र हो जाए और फिर भी बोल ना पाए, तो उसके कोई क्लासेस हो सकते हैं कि उसको प्रैक्टिस करके 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 एक एक वर्ड सिखा सिखा करके उसको बोलना सिखा देते हैं, लेकिन क्या बोलना ये सीखने के कोई क्लासेस नहीं होते। और वो हमें अपने आप से ही समझना पड़ता है, अपने आप से ही आता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में समझना, अपनी भाषा को बड़ा संयमित रखना। आदमी ये समझता है कि मेरे जीवन में संयम है मेरा कल्याण हो जाएगा, आदमी ये सोचता है कि मेरे मन में संयम है मेरा कल्याण हो जाएगा, लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि जीवन का संयम या मन का संयम मात्र कल्याण करने वाला नहीं है, भाषा का भी संयम होना बड़ा जरूरी है। और इसीलिए कहा कि गार अंगार, गाली, गार यानी गाली, वो कैसी है तो कि अंगार जैसी, अंगार को जो छूता है वो भी तो जलता है। दूसरा शब्द दिया क्रोध झल, वो अंगार की जो तपन होती है ना उसको झल झला कहते हैं, अंगार की जो आंच होती है, अंगार की जो तपन होती है उसको झल कहते हैं। इसीलिए कहा कि क्रोध झल, जल नहीं झल, गार अंगार क्रोध झल, कहा कि अपशब्द वो अंगार है और क्रोध उसका झल यानी कि उसकी तपन है, उसका आंच है। दूसरा संदेश हमें यह मिलता है कंट्रोल योर एंगर, अपने क्रोध को काबू में करो। मुझे कई बार लगता है
कि आज के आदमी के लिए सबसे कठिन कार्य यदि कोई है तो वो एक ही है, अपने क्रोध को काबू में करना। आज का आदमी सब चीजें काबू में कर सकता है, शायद मौन ले ले तो भाषा भी काबू में आ जाए, लेकिन क्रोध काबू में नहीं आता। पहले तो ऐसा होता था कि संसार में 100 लोगों को मिलो तो उसमें से 50 लोग ऐसे होते थे जिनको क्रोध आता है और 50 लोग ऐसे होते थे जिनको क्रोध नहीं आता। लेकिन आज का समय इतना विपरीत धीरे धीरे होते जा रहा है, व्यक्ति के भीतर अभिमान इतना पनप रहा है, व्यक्ति के भीतर ईगो इतना आ रहा है, व्यक्ति इतना ईगोइस्टिक बन रहा है, व्यक्ति को पता नहीं कौन सी चीज का अभिमान आ गया है। और इसीलिए आज एवरेज आदमी को देखा जाए तो 100 में से 99 लोग ऐसे होंगे जो क्रोध से भरे हुए हैं। और एक चीज समझना, ये गलत फहमी में मत रहना कि मुझे क्रोध आता है। ये स्वीकार करना कि मैं क्रोध करता हूं, दो में बड़ा डिफरेंट है। एक में आप ये स्वीकारते हो कि मुझे क्रोध आता है, पता नहीं मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे काबू में नहीं है, कैसे आ जाता है मैं जानता नहीं, लेकिन नहीं ऐसी बात नहीं है, आपको क्रोध आता नहीं है, आप क्रोध करते हो। स्वीकार नहीं, कभी ऐसा वाक्य का उच्चारण मत करना कि गुरुदेव मुझे क्रोध आ जाता है। ये स्वीकारना सीखो कि मैं क्रोध करता हूं, मैं क्रोधी हूं। हम स्वीकारते नहीं है, हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मुझे क्रोध आ जाता है, मेरे हाथ में नहीं है, मेरे बस में नहीं है, मैं जानता नहीं हूं, मुझे क्रोध आ जाता है। ये गलत बात है, सरासर झूठ है, बराबर समझना। सच ये है कि आप क्रोध करते हो, आपके भीतर इतना अभिमान रहा हुआ है इसलिए आप क्रोध करते हो, आपके भीतर सहन करने की ताकत नहीं है इसके लिए आप क्रोध करते हो, आपके भीतर किसी का भी सुनने की ताकत नहीं है इसके लिए आप क्रोध करते हो। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि बराबर समझना, क्रोध वही करता है जो कमजोर होता है, जो शक्तिमान होता है वो कभी क्रोध नहीं करता। क्रोध किसको आता है? जो कमजोर है वही तो क्रोध कर सकता है, जिसके भीतर कमजोरी है वही इंसान क्रोध कर सकता है, शक्तिमान इंसान कभी क्रोध नहीं कर सकता। और ये गलत फहमी में मत रहना कि क्रोध करने के लिए शक्ति चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि क्षमा रखने के लिए शक्ति चाहिए। क्रोध तो सरल है, छोटा बच्चा भी कर लेता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्रोध करने के लिए शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, क्षमा भाव धारण करने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है। इसलिए कान खोलकर सुन लेना, मन में ये गलत फहमी मत पालना कि मुझे क्रोध आता है, मेरा कोई सुनता है, मैं गुस्से से कह दूं तो 4 आदमी सुन लेते हैं। ये आपकी शक्ति की निशानी नहीं है, ये आपकी कमजोरी की निशानी। शक्ति तो प्रेम के लिए चाहिए, शक्ति तो क्षमा के लिए चाहिए। शक्तिशाली वो है संसार में जिसके भीतर प्रेम पनप रहा है, शक्तिशाली वो है संसार में जिसके भीतर क्षमा पनप रही है, शक्तिशाली वो है संसार में जिसके भीतर दया पनप रही है। इसीलिए परमात्मा महावीर को वीर नहीं लेकिन महावीर कहा जाता था। क्रोध शक्तिशाली होता तो परमात्मा को महावीर नहीं कहा जाता, लेकिन क्षमा शक्तिशाली है, प्रेम शक्तिशाली है, दया शक्तिशाली है और क्रोध शक्तिशाली है, इसलिए परमात्मा महावीर को महावीर कहा जाता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जीवन में हमेशा याद रखना, क्रोध वही करता है जो कमजोर होता है, जो शक्तिशाली होता है वो कभी क्रोध नहीं करता। और आपको यदि क्रोध आता है तो स्वीकार करना, मैं क्रोध करता हूं क्योंकि मैं कमजोर हूं। गार अंगार क्रोध झर, निंदा धुआं होए। कहा के तीसरी चीज कौन सी जीवन में नहीं होनी चाहिए? कहा के निंदा। नंबर 1 कंट्रोल योर लैंग्वेज, नंबर 2 कंट्रोल योर एंगर, एंड नंबर 3 कंट्रोल योर वर्ड। अपने शब्दों को भी संभालो, भाषा को भी संभालना है, शब्दों को भी संभालना है। भाषा भी अलग है और शब्द भी अलग है। निंदा, कबीर जी कहते हैं 10वें कालिक सूत्र में, स्वयंभव सुरेश्वर जी महाराज कहते हैं, उन्होंने शब्द लिखा है दुर्वादी, कहा कि गलत बोलने वाला, गलत उच्चारण करने वाला। कबीर जी ने शब्द लिखा है निंदा, निंदा धुआं हो। कहा कि अपशब्द वो अंगार है, क्रोध उससे
उठने वाली तपन है और उसका धुआं जो है वो निंदा है। बराबर समझना। कंट्रोल योर वर्ड, शब्दों को संभालो। हमारे शब्द किसी की प्रशंसा के लिए हो, किसी की स्तुति के लिए हो, किसी की स्तवना के लिए हो, किसी की निंदा के लिए कभी नहीं हो सकते। जो शब्द की ताकत आपको मिली है वो किसी की प्रशंसा के लिए है, किसी की स्तवना के लिए है, किसी की स्तुति के लिए है, लेकिन वह शब्द की ताकत दूसरे की निंदा के लिए नहीं है। बराबर कान खोलकर सुन लेना, बराबर समझ लेना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बराबर समझकर जीवन में आगे बढ़िएगा। तीन चीजों को संभाल के रखिएगा, तीन चीजों को कंट्रोल करके रखिएगा। गार अंगार, क्रोध जर, निंदा धुआं होय, यह तीनों को परिहरे साधु कहावे सोए। आप संसार में रहते रहते भी साधु बन सकते हो, लेकिन कब? यदि ये तीन चीजें आपके जीवन में नहीं है तो ही बन सकते हो, वरना बनने की कोई संभावना नहीं है। और इसीलिए तीन चीजों को कंट्रोल करना। नंबर वन, कंट्रोल योर, सभी साथ में मिलकर, कंट्रोल योर लैंग्वेज। नंबर टू, कंट्रोल योर एंगर। एंड नंबर थ्री, कंट्रोल योर वर्ड। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।